Good morning, dear students. Good morning, dear students. How are you? Okay. Today we will do our worksheet number 6, integers. ठीक है बेटा? In this worksheet we will do our properties of multiplication. Okay? Fifth means कि हम integers को multiply कैसे करते हैं? इसके बेटा कुछ rules हैं properties of multiplication. Number one is property one. Product of any two integers is also an integer. क्या मतलब है? यदि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका आंसर होता है वो भी एक इंटीजर आता है. देखो जैसे मान लो मैंने 3 प्लस माइनस 4 दोनों इंटीजर है. If we multiply 3 4 is 12 but sign minus तो ये भी इंटीजर आया ना. तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स. जैसे हमने एडिशन वाले में किया था ना, सेकेंड प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स. क्या मतलब है कि जो ये हमने 3 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई कराया देन वी गेट माइनस 12. अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो, मीन्स पहले क्या आ गया माइनस 4 देन 3 देन इट रिमेन सेम. करके देखो 3 4 इज 12 एंड माइनस सेम आया ना. तो ये क्या मतलब है, यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें तब भी जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आता है. यही हमने एडिशन में पढ़ा था. थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर. ग्रुपिंग का मतलब क्या है बेटा, दो या तीन के ग्रुप हो. देखो जैसे हमें 4 डिजिट दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 4. ठीक है. अब मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, पहले मैंने बना दिया 2 इंटू 5 का ग्रुप, सेकेंड ग्रुप बन गया 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 का. ठीक है. करके देखो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 देन इट बिकम्स माइनस 120. ठीक है. अब ग्रुपिंग चेंज करो, अब 2 के साथ 5 था ना, अब 2 के साथ 3 लगाओ. कुछ भी लगा सकते हो. 2 के साथ हमने क्या कर दिया 3 को. ठीक है. और इधर क्या कर दिया, 3 की प्लेस पर किसको ले आए हम 5. करके देखो क्या रिजल्ट सेम आता है. 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 माइनस, तो क्या आएगा 6 2 जा 20. तो रिजल्ट सेम आया ना. देखो माइनस 120 एंड माइनस 120. इसका मतलब क्या है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यदि हम ग्रुप भी चेंज कर दे देयर इज नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट. नेक्स्ट देखो फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो. यस, कोई भी इंटीजर है 2 मल्टीप्लाई 0 देन इट ऑलवेज कम्स 0. जब भी हम किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट कम्स ऑलवेज 0. नेक्स्ट देखो बेटा, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ. यस, जब भी हम किसी इंटीजर को मान लो माइनस 4 है, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया देन इट कम्स माइनस 4 बन जा माइनस 1, इंटीजर खुद ही आता है. तो बेटा ये सारी क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है ना. अब हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे किसमें, हमारी वर्कशीट 6 में. ओके. क्वेश्चन 1 इज गिवन, राइट द एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द प्रोडक्ट. जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का जो साइन है वो क्या होगा. मैंने आपको रूल्स करवाया था जब एडिशन कराया था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा. जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो प्लस मल्टीप्लाई प्लस है देन इट कम्स प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इट कम्स प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस एंड इट कम्स माइनस. ठीक है. ये रूल फॉलो करना हमने जब हम प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे. यदि दोनों प्लस में है देन इट कम्स प्लस, इफ वन इज माइनस एंड सेकेंड इज ऑल्सो माइनस देन प्लस, इफ वन इंटीजर इज ऑफ माइनस एंड वन इंटीजर ऑफ प्लस देन इट कम्स माइनस. ठीक है बेटा. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ए बार माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5. देखो पहले आप डिजिट को मल्टीप्लाई करो. ठीक है. 3 5 जा 15. अब देखो इधर एक माइनस है और एक प्लस है, जब दोनों अपोजिट होते हैं देन ऑलवेज माइनस कम्स. तो पता चल गया आपको प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, माइनस. देखो नेक्स्ट एग्जांपल करो, प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 6. इंटीजर्स को कर लो 8 6 जा 48. इधर प्लस है इधर माइनस है देन इट कम्स माइनस
सी पार्ट देखो, -15 मल्टीप्लाई -3, 53 जा 45। देखो यहाँ माइनस है माइनस है, सेम साइन है ना, देन इट कम्स प्लस। डी पार्ट +8 मल्टीप्लाई -1, 8 बन जा। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जब भी हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर खुद ही आता है, तो 8 बन जा 8 एंड प्लस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। सेम पहले वाला जैसे ही उसमें साइन पूछ लिया था, इसमें प्रोडक्ट पूछ लिया। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। कर दो 5 6 30। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ जब कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस। याद रखना बेटा, जब कोई साइन नहीं होता इट मीन्स इट हैज प्लस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन 7 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -12। बेटा जब यहाँ 3 है ना तो हम ग्रुपिंग कर देंगे, अभी हमने करा था ना ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट, ग्रुपिंग कर दो 7 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -12। 7 4 28, साइन माइनस का लगाओगे, क्यों, 7 के साथ कौन है प्लस, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई -12। अब देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और 12 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 एट जा 96, 12 टू जा 24 एंड 9 31, 8 कम्स प्लस 316। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। इट इज गिवन -16 मल्टीप्लाई -2। ठीक है बेटा, देखो 16 टू जा 32 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस। नेक्स्ट एग्जाम्पल -19 +7 0 -5 +2। बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, देखो इसमें -19 7 0 0 आ गया। अभी हमने किया था रूल, लास्ट रूल किया था ना, जब भी हम किसी भी इंटीजर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट ऑलवेज का जीरो, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू ऑनली राइट जीरो बिकॉज जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू का मतलब यही है कि इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1234 मल्टीप्लाई 567 -234 मल्टीप्लाई 567। आपने फर्स्ट चैप्टर में किया ना ग्रुपिंग, ग्रुपिंग किया ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, इसमें भी आपने वही कर दी है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, वन ये हो गया, माइनस का साइन वन ये, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। देखो अब दोनों में कौन से डिजिट है, देखो 567 इसमें भी है ना और 567 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 567 को कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से ये तो यहाँ आ गया, अंदर क्या रह गया 1234, देन पुट द साइन, जो यहाँ साइन है उसको लगा, माइनस का तो मैंने माइनस लगा दिया, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 234। ठीक है, नेक्स्ट 567। अब देखो सॉल्व करो, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 0, 2 2 0 1। नेक्स्ट 567 इसको हटा के क्या लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, और हमने ये इजी कैलकुलेशन करी थी ना, हमने उसी तरीके से कर लेंगे। अब 1 को जब हम इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम इंटीजर, और जितनी जीरो है लास्ट में उतनी जीरो लगा दो। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। इट इज गिवन 242 मल्टीप्लाई -95 +245 मल्टीप्लाई -4 -242। बेटा इसमें बस आपने ये बात याद रखनी है, जब तक ये साइन आता है ये वन डिजिट, वन आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सेकंड है और ये क्या है, हाँ, क्योंकि देखो साइन आ गया ना, साइन वाले को 1 2 3। अब हम तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है तीनों में बताओ जल्दी, यस 242 एंड 242, तो आप 242 को कॉमन निकालो। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर -91, प्लस का साइन है प्लस,
ये माइनस का साइन है तो आप ब्रैकेट लगा के लिखोगे। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों साइन कभी भी इकट्ठे नहीं होते। माइनस अब देखो आप लोगों के 240 तो पहले आ गया, 242 पहले आ गया ना, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, नहीं इसके साथ वन है। ठीक है, जब किसी के साथ कोई डिजिट नहीं होती हम वन मान के चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस वन, क्लोज द ब्रैकेट। आप देखो 242 देन माइनस 95 प्लस माइनस बिकम्स माइनस माइनस वन देन 242। अब देखो माइनस 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 तीनों माइनस के है ना, सेम साइन होते तो हम क्या कर देते हैं उनको प्लस कर देते हैं। 94 and 4, 99 and 100। ओके इजी कैलकुलेशन बन गई क्योंकि वन से करेंगे और जितनी वन के बाद जीरो है जीरो ऐड कर देंगे। 242 and 2020 माइनस का साइन इट बिकम्स, देखो आपको ये लग रहा है कितना बड़ा सम है ना, बट हम इजी कैलकुलेशन करते हैं इनके कॉमन निकाल के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, राइट द इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन। हमें कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है यदि मैं हम इनको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। माइनस थ्री को करके देखो, माइनस वन से मल्टीप्लाई, राइट द इंटीजर, थ्री बन जाना थ्री और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। ठीक है, माइनस वन 19 बन जाना 19 प्लस माइनस इट बिकम्स माइनस जीरो। जब भी हम किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट ऑलवेज कम्स जीरो। ठीक है बेटा, माइनस वन हमने किया था ना अभी कि सेम जब भी हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर खुद आता है, 74 बन जा 74 प्लस माइनस माइनस 69 बन जा 69 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 100 बन जा 100 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस। ठीक है, गिवन कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर मींस हमें पहले इसको सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी फिर कंपेयर करना है कि ग्रेटर कौन है स्मॉलर कौन है। देखो करो अभी ब्रैकेट में है, इट मींस इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस, 7 6 13 मल्टीप्लाई 10। पहले हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 13 को जब हम 1 से करेंगे 13 बन जा 13 एंड 0 0। ठीक है, अब इधर साइड देखो 7 मल्टीप्लाई 6 आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई देन आफ्टर वी विल टच प्लस एंड माइनस। ठीक है बेटा, तो इसमें पहले आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई को, यानी कि आपने इसमें इस वाले क्वेश्चन में भी 7 एंड 6 13 एंड 10 तो डिफरेंस क्या हुआ, नहीं हुआ ना डिफरेंस, तो इसमें क्या करना है आपने 7 को एज इट इज 6 10 जा 16। ठीक है, याद रखना पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करते हैं देन वी हैव टू टच प्लस एंड माइनस। अब प्लस कर दो 60 एंड 7 67 तो बताओ ग्रेटर कौन है, 130 या 67, 130 है ना, तो इसकी तरफ आओ क्या लगा दोगे साइन लगा दोगे, ये साइन साइन किसकी तरफ होता है ग्रेटर की तरफ और इसकी जो क्लोज वाला हिस्सा होता है वो किसकी तरफ होता है स्मॉलेस्ट की तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 6 इज गिवन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पूछा उसने साइन बताओ प्रोडक्ट का क्या होता है, 7 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव। देखो 7 तो नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है तो अपोजिट साइन आ गया ना, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि दो अपोजिट साइन है, मैंने आपको बताया जब दो अपोजिट साइन होते हैं देन ऑलवेज कम्स माइनस, यदि सेम साइन होंगे तो क्या आएगा प्लस। नेक्स्ट देखो 26 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव, ये भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है देन क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। नेक्स्ट देखो बेटा 11 नेगेटिव एंड 11 पॉजिटिव, 11 ही नेगेटिव है और 11 ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा माइनस, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। ठीक है बेटा, तो क्या रहेगा इसमें सारे माइनस है और आगे माइनस 13 भी है तो 4 हो गए ना, तो क्या आ जाएगा प्लस, माइनस 12 माइनस 13 क्या बन गया प्लस, माइनस 14 माइनस 15 प्लस एंड माइनस 22 प्लस प्लस और माइनस तो क्या बन गया माइनस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट
इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. यस, अभी हमने देखा है जब भी हम किसी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट कम्स ऑलवेज इंटीजर. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अपोजिट साइन इज पॉजिटिव. अपोजिट साइन पॉजिटिव होता है, बताओ? नहीं होता ना. जब अपोजिट साइन होते हैं इट ऑलवेज नेगेटिव, तो ये क्या आएगा? फॉल्स. द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज जीरो. नो, आइडेंटिटी क्या होती है? वन. जब हम वन से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो जीरो. तो क्या आएगा इसका? वन आना चाहिए ना, तो स्टेटमेंट क्या आएंगे? फॉल्स. नेक्स्ट, ऑफ द टू इंटीजर इफ वन इज नेगेटिव द प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव. एक नेगेटिव है तो जरूरी है कि प्रोडक्ट नेगेटिव होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है. ठीक है ना, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, ठीक है बेटा. आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी. ठीक है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को प्लीज केयरफुली आपने देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, थैंक यू.